छोड़ो छोड़ दो मुझे। पागल हो गए क्या आप? अरे क्या कर रहे हैं आप? मत रोको मुझे, पागल लगता है मुझे, मर जाने दो। छोड़ो 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 मुझे। ये मेरी बेटी है, ऐसे बाप को मर जाना चाहिए क्या? छोड़ो नहीं। देवी, कैसा है मेरे भाई? हाय, कैसा है यार? मुझे कुछ भी करके फिल्मों के अंदर आना है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा। देखना तुम, एक दिन मैं फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगा और उस दिन तुम लोगों को मुझ पे गर्व होगा। ये सब सर की फोटोज हैं। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सर वो मैं हीरो बनने आया हूँ। क्यों भाई, सब यह हीरो बनने ही आता है? मार्शल आर्ट्स कर लेता हूँ मैं और डांस वांस भी आता है मुझे। भाई लाखों लोग आते हैं यहाँ एक्टिंग करने, भाई तुम्हें क्यों लूँ? सर किसी भरोसे से मैं आपके पास आया हूँ, कुछ तो होगा ना मेरे अंदर। अकेले आए हो या किसी के साथ आए हो? सर किसी को साथ लेकर आना था क्या? मैं आपका मतलब कुछ समझा नहीं। चलो भाई अब जाओ, जब उस चीज का मतलब मिल जाए तो आ जाना। ओके, थैंक यू सर। कहां से चले आते हैं हीरो बनने? इतना टाइम लगाएगी ये लड़की? अरे जल्दी करो बेटा। आई पापा। मुझे देर हो रही है। सुनो, रास्ते में तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। आ रही हूँ पापा, जरा वेट तो करिए। कितना टाइम लगाएगी ये लड़की? ये क्या बेटा, ये क्या पहन रखा है? तुम कॉलेज जा रही हो क्या फैशन शो में? अरे कुछ ढंग के कपड़े पहन लेती ना। ओफो पापा, आप कितने पुराने ख्यालात के हैं। वेक अप डैड, अपनी आंखें खोलिए और चारों तरफ देखिए तो सही, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। और आप बस अपने काम में बिजी रहते हैं और एक तरफ मेरी माँ है जिसे तीरथ से फुर्सत ही नहीं मिलती। इट्स ओके ओके ओके, फिर भी अगर अब चलिए ना, अब लेट नहीं हो रहा आपको? और आप है ना मेरी सुरक्षा के लिए। यहाँ मुंबई में तो इतनी सारी लड़कियाँ हैं जो बाहर से अकेली आती हैं, उनका तो यहाँ कोई भी नहीं होता है। अच्छा चल।
कितने सीधे हैं मेरे पापा। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं फिल्म लाइन में जाने वाली हूँ तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे कहाँ रह गई, चलो पता नहीं कहाँ खोई रहती है लड़की। और बोलो अरुणाचल में कैसा है सब? सब ठीक है। मुझे तो बहुत याद आती है यार वहाँ की। हाँ लेकिन हमारे ग्रुप के सारे लोग इधर उधर हो गए हैं, यू नो, जैसे तुम यहाँ मुंबई आ गए एक्टर बनने, वैसे ही सारे लोग इधर उधर काम धंधे में लग गए और मैं आ गए कॉल सेंटर में हेलो हेलो करने। सही यार, कम से कम सर्वाइव तो कर लोगी, वरना यहाँ तो खाने के ही वांदे पड़ जाते हैं, इतना स्ट्रगल यहाँ पे। What? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ देखो देवी, तुम मेरी स्कूल की फ्रेंड हो इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। अरुणाचल में लोग यही सोचते हैं कि मैं यहाँ बहुत कामयाब इंसान हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाया, बस वहीं का वहीं रह गया। यू नो, आधे समय लोकल ट्रेन से भिटी तक आया। तो हम भी लोकल ट्रेन से आ जाते। अरे नहीं, अभी तुम नहीं हो ना, तुम्हें भीड़ भाड़ झेलने की याद है नहीं, और ऊपर से लगेज। डोंट वरी, इतना तुम्हें मैनेज कर सकती हूँ। देखो देवी, मैं तुम्हें अपना समझता हूँ इसलिए मैंने तुमसे सब सच्चाई बोल दिया, प्लीज किसी को बताना मत यार। चीयर। थैंक्स यार। आओ बस आ गए, आओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। यही है मेरा छोटा सा घर, यही रहता हूँ मैं। लाओ लाओ बैग दो मुझे। सुनो ऐसा है कुछ दिन यहाँ एडजस्ट कर लो, बाकी खुद का फ्लैट हो जाएगा पेइंग गेस्ट वाला, चले जाना तुम यहाँ से। थैंक्स अ लॉट कुंदन। एक्चुअली मैं मजबूर हो गई थी मुंबई आने के लिए, घर में बहुत प्रॉब्लम्स है और मुझे काफी पैसों की जरूरत है। यू वेलकम देवी। ऐसा करो तुम थकी होगी, बाथरूम इधर है, फ्रेश हो जाओ। ओके। और सुनो कब से तुम्हारी ज्वाइनिंग? कल से ही जाना है, पहले नाइट शिफ्ट लगा है, बाद में देखते हैं क्या करना है। ओके यू गो। ये जय सर का ऑफिस यही है? वैसे रोल बहुत टफ है। ओके सर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम कर लोगी। थैंक यू सर। मे आई कम इन सर? यस। मायसेल्फ राहुल सर। आगे। सर काफी दिन से आपसे मिलने के लिए ट्राई कर रहा था। अच्छा आओ बैठो बैठो। थैंक यू। देखा ये मुझे बहुत दिन से ट्राई कर रहा है। हाँ सर। बोलो बोलो। सर वो एक्टिंग के पर्पस से आपसे मिलना था, सोचा लॉन्च कर देंगे आप मुझे। मैं तो काम दे रहता हूँ। तुम में अगर टैलेंट है तो काम मिल जाएगा। ऑफ कोर्स। जी थैंक यू सर। अभी नए नए मुंबई में आए हो? अभी अभी आया हूँ मुंबई। गांव में खेत भी है? हाँ सर थोड़ी सी जमीन है गांव में। जाओ दो चार एकड़ बेच के आओ और फिल्म बनाओ। नहीं सर मैं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता हूँ सर। अरे मेहनत से यहाँ कुछ नहीं होता। क्यों एलिस? यस सर। मेहनत से नहीं, माल चाहिए माल। लड़की वड़की है कि नहीं कुछ, गर्लफ्रेंड विलफ्रेंड? जी नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है सर। कैसा स्ट्रगल करेगा ये? जाओ दो चार लड़की पटाओ, बॉडी शॉडी है तुम्हारी, और गर्लफ्रेंड को हमारे पास लेके आओ। सर अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में बोल रहा हूँ। समझ में आता है तो समझ, नहीं तो स्ट्रगल कर बैठा अगले 6 साल। सर मिलता हूँ सर आपसे। ओके थैंक यू सर। ओके ठीक है। हाँ तो एलिस हम कहाँ थे? सर मूवी का कोई प्रोजेक्ट। थोड़ा देख बोल्ड सीन है। ओके तुम कर पाओगी? ओके सर आपको कॉन्फिडेंस है तो। यस थैंक यू सर। देखा का आई नो। क्या सोच के आया था यहाँ एक्टर बनाने के लिए? या तो लोगों को लड़की चाहिए या फिर पैसे, टैलेंट की तो किसी को जरूरत ही नहीं है, बस चमड़ी और तमड़ी की बातें करते हैं। सब साले चमड़ी है। पुष्पा आ जाओ। प्लीज आओ ना। चलो आ जाओ अभी।
निकलना भी है अपने को, चलो। बहुत दिन से आया नहीं तू बार में? क्या करे, घर में ही बार खोल के रखा है। अच्छा, कौन कौन आता है? दीपा आती है, तरुणम आती है, चांदनी आती है। लेकिन तू आता है मेरे पास, है ना? तेल लेने गई चांदनी और दीपा की तो माखी। अरे गुस्सा थोक दे पुष्पा, तेरे जैसी कोई नहीं। उन साली लौंडियों को तो पता है ना कि अपुन तेरी खास है। फिर दूसरे के माल पे हाथ नहीं डालना चाहिए। हर धंधे का एक उसूल होता है ना, होता है कि नहीं? अरे पुष्पा तू बहुत बड़ी तीखी है, तेरे गाल कश्मीरी एप्पल जैसे है, मन करता है काट के जेब में रख दूं, लेकिन है तो बड़ी लाल मिर्ची। तू भी ना जय, कमाल का बंदा है। क्या खाता है रे तू कि तेरा? क्या मेरा क्या, मैं खाता नहीं, बहुत कुछ करता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ सर, मैं राहुल बोल रहा हूँ सर। राहुल? कौन राहुल? सर मिला था ना मैं आपसे, आपको फोटो भी दिए थे वो एक्टिंग के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो राहुल। सर एक्चुअली मैं अभी तो लड़कों का काम बंद है, जैसे कुछ आ जाए मैं तुझे कॉल करूँ। नहीं नहीं सर, वो इस बार मैंने किसी और काम के लिए फोन किया था। क्या काम है? सर कि मेरे एक प्रोड्यूसर हैं सर, उनको चाहिए। फीमेल? क्या काम है बोलो तो सही खुल के। कि मेरे एक प्रोड्यूसर हैं, हाँ उनको एक लड़की चाहिए। तो क्या कॉम्प्रो के लिए चाहिए? हाँ सर ऐसा ही कुछ। रवि ने नंबर दिया है, इसीलिए मैं तुझे तीन लड़कियों की फोटोज व्हाट्सएप करता हूँ। और हाँ, पैसे लेकर ही आना। सर कितने पैसे लगेंगे? व्हाट्सएप के साथ मैं उनके रेट भी भेजता हूँ तुझे। ओके सर, कल मिल मुझे। हाँ इतने पैसे कहाँ से लाऊं? पैसे लो। रहीम भाई आपका हीरो आ गया, सुबह बुलाया था शाम को आया। वाह भाई, पैसे लाया है ना? जी भाई लाया ना। ये प्रोडक्शन हाउस है? ये प्रोडक्शन हाउस है मगर यहाँ पिक्चर नहीं बनती है, शहर के सारे अच्छे काम यहीं से होते हैं। ला पैसा। वो क्या है ना रहीम भाई, मैं अपना मोबाइल बेच के ये पैसे लाया हूँ। अरे टेंशन मत ले, आरी भाई जबान के पक्के, शहर के सारे शरीफों की शराफत उन्होंने रोक रखी है, वरना शहर में लड़कियों का चलना मुश्किल हो जाता। क्या रहीम भाई, मेरी चड्डी उतारने पे लगे पड़े हो आप? लाओ पैसा, पूरे हैं ना? हाँ पूरे 10,000 हैं। रहीम भाई 10 में तो वो सर वो प्रोड्यूसर को स्ट्रगलर कमसिम लड़की लगनी चाहिए। हमें मत सीखा हमारा काम, ये तो हमारा रोज का काम है, किसे क्या चीज चाहिए ये हमें अच्छे से मालूम है। डॉक्टर को नर्स, बॉस को सेक्रेटरी और चूतियों को एक्ट्रेस। अरे आओ, क्या नाम था तुम्हारा? सर राहुल। हाँ राहुल। सर आपने बोला था ना कि आर्टिस्ट चाहिए, ये आर्टिस्ट है। क्या नाम बोला इसका? सर चांदनी। मैं इसका ऑडिशन ले लेता हूँ, ठीक है? जी आओ चांदनी, बैठो बैठो।
लेता मैं उसका ऑडिशन, ठीक है? निकलो। तो चांदनी क्या क्या करती हो? अभी तक तो कुछ भी नहीं। थिएटर कभी किए हो? या। अरे वाह, मतलब एक्टिंग जानती हो। यस। कैमरे के सामने कभी नहीं किया होगा? मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम मौका देंगे। ओह यस। हम सिखा देंगे डियर, ठीक है? चलो तो ऑडिशन ले ले। या श्योर। चलो। या कम। हीरोइन बनना है ना? तो ये ऊपर का निकाल सकती हो? या श्योर, व्हाई नॉट। नाइस। थोड़ा और नीचे। गुड सर। हेलो सर। हाँ कौन? सर वो चांदनी को लेकर आया था ना मैं आपके पास, वो राहुल बोल रहा हूँ सर। अच्छा राहुल, हाँ बोल बोल बोल। वो सर वो रोल की बात की थी ना मैंने आपसे। तेरा रोल तो वैसे ही पक्का है, समझ ले। लेकिन क्या है, मैं तो प्रोड्यूसर हूँ, फाइनेंसर तो शेट्टी साहब है। राहुल तो एक काम कर, चांदनी को शेट्टी साहब के पास भेज दे। सर अब आपसे क्या छुपाऊं सर, वो मैंने अपना महंगा वाला फोन बेचकर तब मैं उसको लेकर आया था सर, अब मेरे पास पैसे नहीं है सर। ये तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या करूं? मोबाइल बेचो, घर बेचो, अपने आप को बेचो, हीरो बनना है ना सर। लेकिन मैं अब कैसे करूंगा सर? मैं फोर्स नहीं कर सकता तुम्हें, अगर भेजेगा तो अच्छा है। शेट्टी साहब मुझे फाइनेंस करेंगे, मैं फोर्स करूंगा शेट्टी साहब। हीरो इसको ही लेना है, वो आ रही है, रखता हूं फोन। जी सर। कहां से लाऊं पैसे यार? राहुल। अरे चांदनी तुम बड़े परेशान लग रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खैर मैंने तुम्हारी और जय की बातें सुन ली थी, तुम मुझे शेट्टी से मिलवाने ले चलो। चांदनी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। मुझे मालूम है कि मुझे जय से मिलवाने के लिए तुमने अपना मोबाइल तक बेच दिया। हाँ यार पर अब मेरे पास और पैसे नहीं है। तुमसे पैसे मांगा किसने? तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ ना, मुझे ले चलो। मैं जो बोल रही हूँ वो समझो, तुम्हारे पास जब पैसे आएंगे मुझे दे देना, ठीक है? लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं यार, एक बार मेरी बात मान तो लो। हेमंत तू भाई को समझाता क्यों नहीं है? आज की तारीख में वो एक कॉर्पोरेटर बनने वाले हैं, उनकी एक इमेज होनी चाहिए, एक रेपुटेशन होनी चाहिए, और एक तू है के? जी अमित सर, पर मेरी सुनते कहाँ है वो? मैं तो सिर्फ उनका बॉडीगार्ड हूँ ना, आप ही क्यों नहीं समझाते उनको? हमको क्या समझाएगा तुम लोग? हाँ लगता है तुम लोग को कुछ समझाने का है, समझाओ। हाँ हाँ भैया, बस भैया वो आज का अखबार पढ़ा आपने? हाँ। सिमरन फिल्म स्टार सुसाइड कर लिया उसने। बहुत दुख हुआ, उसके फ्यूनरल में तो हमको जाना ही पड़ेगा। नहीं यही बात तो मैं हेमंत को समझाने की कोशिश कर रहा था, आपके उस जैसे न जाने कितनी लड़कियों के साथ। देखो अमित, हम प्यार करता है लड़कियों से,
और उस फ्यूनरल में हम नहीं जाने से उसकी मौत की इंक्वायरी में मेरा नाम भी शामिल हो जाएगा। भैया आप ये रासलीला छोड़ क्यों नहीं देते? अरे आपको यही सब करना है तो आप थाईलैंड चले जाइए, पेरिस चले जाइए, ये बॉलीवुड की लड़कियां क्यों? अरे बाबा बर्गर पिज्जा तो कभी कभी खाने का मन करता है, लेकिन दाल चावल रोज का चाहिए ना। तुम टेंशन मत लो, मेरा नाम है शेट्टी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भैया को। चलो ये भी ना। सर राहुल आया है। हेलो सर। तो तुम ही हो राहुल? जी सर। राहुल इनकी तारीफ? सर ये जानी है, फिल्मों में एक्टिंग करना चाहती है, ज्यादा दिन नहीं हुए ऐसे मुंबई आए हुए, आप देख लीजिए सर। हमारे प्रोडक्शन से लॉन्च करवा देंगे, एक बार तो स्क्रीन टेस्ट हो जाए तब सब पक्का हो जाएगा। सर आप इनका ऑडिशन लीजिए, मैं बाहर वेट करता हूँ सर। इधर ही बैठो, खाना वाना खाओ। नहीं इट्स ओके सर। कुछ पी लो। थैंक यू सर। चले ऑडिशन के लिए। यहाँ ऑडिशन होगा? यही होता है। सर ऐसे ऑडिशन होता है? ऐसे ही होता है, नहीं पता है क्या? क्या होता है ऑडिशन? मैं नहीं हूं ना, मुझे कुछ नहीं पता। सब पता चल जाएगा। यही होता ऑडिशन। मुझे रोल मिलेगा ना? रोल भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा तुमको। पहले पहले ऑडिशन तो अच्छे से हो जाए। एक्चुअली इसको स्क्रीन टेस्ट नहीं स्किन टेस्ट कहते हैं, समझी? कैसा लगा ऑडिशन? बहुत अच्छा। रोल तो मिल ही जाएगा, नोट भी दूंगा तुमको। रोल किसको चाहिए? अरे राहुल तुम अभी तक यहीं पे हो? तुम्हें छोड़कर कैसे चला जाता? आदमी तो तुम अच्छे हो, फिर इस लाइन में कैसे? यार मुझे सिर्फ हीरो बनना है, इसीलिए और कुछ नहीं। अच्छा चलो ये लो। ये मैं तुमसे क्यों लूं? अरे शेट्टी से ऐठे हैं। ओ उसने तुम्हें पैसे दिए? पर मैं ये तुमसे नहीं ले सकता, प्लीज। अरे उसके पास पैसों की कमी नहीं है, बस निकालने वाला चाहिए। चलो
रख लो। नहीं छोड़ो, जाने दो। रख लो। थैंक यू। Hello, good evening, MFC. Devi, how may I help you? Definitely. Thank you very much for calling. मैं जानता था तुम जरूर आओगे। किसे मालूम है वे? मैं आने वाला हूँ। अबे वही मेंटल लुंगी, बैठना तू। अय्या कौन लुंगी बोला? मेरा नाम शाकिल। वैसे तो हूँ मैं फकीर, लेकिन हूँ मैं वकील। फका उसला। I will sue you guys, sue you. Do not talk about this lungi. This lungi painting and dancing, तुम सबकी पुंगी बजाओगे, okay? LLB है, छोड़ना साले को। तुम देखो मैं लुंगी उठा के क्या करेंगे। अबे लुंगी उठा के पॉटी करेगा ना, और कुछ थोड़ी ना करेगा। पोटड़ी? चांदनी, मैं तेरी चांदनी। अबे ये इतना आता है? अबे इसके बाप की फैक्ट्री है। तो फिर यहाँ क्यों मरवा रहा है साला? चूतिया है मेंटल। एक डायरेक्टर है, चमड़ी है साला, पर काम का है। यार एक काम करना तू कुंदन, देवी को लेके आना, इम्प्रेशन बनेगा प्लीज। देख भाई, तू कहता है तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं तुझसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि तू जानता है कि देवी इस इंडस्ट्री से है नहीं। ठीक है। एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार बड़े बड़े गुस्तजार। चूतिया है भैंचोद। यार अरमान, डायरेक्टर साहब को चाय तो पिला? हाँ लेके आता हूँ। सर थोड़ा देख लो ना सर, नया पोर्टफोलियो है सर। ठीक है देखते हैं। मेरे लिए कुछ हो तो बताइए सर। सर कुछ? हाँ बाद में देखता हूँ। सर चाय? अरे प्लास्टिक के ग्लास में। वापस लेके जाऊँ क्या? हाँ हाँ चलो ठीक है। पिलाओ पिलाओ। क्या? खूब पिलाओ। सॉरी। हेलो। हेलो, वाह, सलूट, वेलकम, कम ऑन, सिट मैडम। अब बनेगी असली फिल्म। हाय, आई एम डायरेक्टर अब्बास। अब्बास? वो अब्बास नहीं, सोलो अब्बास। चूतिया, मैंने कई लोगों को ब्रेक दिया है, फिल्मों में ब्रेक दिया है। आपने कोई फिल्म की है? वेरी गुड। साला लोंडो को कौन काम देता है? मुझे हमेशा फ्रेश चेहरों की जरूरत होती है माय डियर, फिल्मों के लिए। हाँ। सर वन मिनट। नो, टाइम इज वेरी कीमती। हु हैज टाइम? करते हैं कुछ मिलके कमाल। लुक मिस्टर, I'm not an actress, और मुझे इन सब में इंटरेस्ट भी नहीं है, और मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। Oh God, I'm getting late. Hello. आपका पहला ऑडिशन है? जी हाँ, पर आपको कैसे पता चला? कुछ नहीं, वो जिस तरह से आप पढ़ रहे हो ना, उसे देखकर ऐसा लगा कि आपका पहला ऑडिशन है। आपको क्या लगता है, आपको काम मिल जाएगा? पता नहीं, हम तो सिर्फ ट्राई कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल नहीं मिलेगा।
आपको पता है यहाँ पर हमारे जैसे 300-400 लोग आए हुए हैं ऑडिशन के लिए, है ना? लेकिन काम उन्हीं को मिलेगा जिनके कॉन्टेक्ट होंगे, या फिर क्या, यू नो, कास्टिंग काउच। व्हाट? इस प्रोडक्शन हाउस का नाम तो बहुत बड़ा है ना, फिर ये सब? जितना बड़ा नाम उतना बड़ा लोचा। वैसे कॉम्प्रो तो नहीं चलेगा ना आपको? नहीं नहीं जी जी बिल्कुल नहीं चलेगा। आप बता रहे थे ना कि फिल्मों में चांस कैसे मिलता है। एक्चुअली वेरी सिंपल है, काम कॉन्टैक्ट से मिलता है, है ना? काफी डायरेक्टर मुझे जानते हैं। अगर मैं किसी डायरेक्टर से आपको मिलवाऊं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब माना कि आप हो नहीं, मगर उसको ऐसा बोलूं कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो आपको फट से काम भी मिल जाएगा और कोई आपको गलत निगाह से भी नहीं देखेगा, क्योंकि सब आपको भाभी की निगाह से देखेंगे ना। बात तो सही है, लेकिन सिर्फ एक्ट करेंगे ना? हाँ हाँ, ओनली एक्ट, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। ओके। वैसे आप बहुत अच्छे आदमी हो। ओह थैंक यू। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ओके, दे आर कॉलिंग मी। ओह, अगर वो कोई उल्टी सीधी डिमांड करे ना तो साफ मना कर देना। वैसे राहुल नाम है मेरा। सोनिया। ओके ओके थैंक्स, बाय। Ready? Action! Myself Sonia. My contact number is 86053. मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं... ठीक है सर, मैं बोलता हूँ। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? सोनिया। सोनिया देखो, ये जो हमारा सीन है ना, ये रोमांटिक सीन है। ठीक है सर, मैं बोलता हूँ। तो ये जो कपड़े हैं ना, इसमें वो बात नहीं आ रही, फील नहीं आ रहा। तो आप कुछ कपड़े लाइए अपने साइज का, कुछ हॉट कॉस्ट्यूम। मैंने सभी लड़कियों को बोला था कि अपनी साइज की बिकनी लेके आए। नो प्रॉब्लम। आपने अंदर तो कुछ पहना होगा ना? जी वो कुछ इनरवेयर तो पहना होगा ना आपने? जी वो तो पहना है। ठीक है, चलेगा, कर लेंगे हम सब। चलो भाई, सब लोग बाहर निकलो, आर्टिस्ट कंफर्टेबल नहीं है। चलिए चलिए, कपड़े उतारिए फटाफट। बी बोल नाउ। अरे शर्माओ मत। चलिए लाइन लीजिए आप। रॉकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए पहन लीजिए आप। ठीक है ना सर? ओके सर, चलिए आप जा सकती हैं। अरे राहुल, तुम यहाँ? हाँ, सोचा थोड़ा वेट ही कर लूँ। वैसे कैसा रहा तुम्हारा ऑडिशन? बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने कहा था। सबके सब थरकी। और वो बब्बू गोरा, पता नहीं क्या सोचकर उसके माँ बाप ने उसका नाम गोरा रखा। कौन बब्बू गोरा? फाइनेंसर बताता है अपने आप को। उसके जैसे 100 फाइनेंसर तो मेरे माँ बाप ऐसे खड़े कर दें। तो फिर अपने फादर को बोलो ना कि तुमको लेकर एक फिल्म बनाए। ना बाबा, बहुत ही पुराने ख्याल के आदमी है वो। बहुत ही सीधे साधे। घर पे तो उन्होंने टीवी चैनल्स तक ब्लॉक कर रखे हैं। फिर तो सवाल ही नहीं उठता। वैसे उनको पता है कि तुम फिल्म लाइन में आने की कोशिश कर रही हो? नहीं। चलो अच्छा लगा सुनकर कि इतने बड़े बाप की बेटी होकर भी अपनी काबिलियत से ऊपर आना चाहती हो। गुड यार। ओ सॉरी, वो यार बोलने के लिए वो मुंह से निकल गया। नहीं नहीं चलेगा। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपना समझ के बात करेंगे तो। अच्छा। ओ, मैंने टैक्सी बुलाई हुई है, चले? श्योर। चलो।
और भाई क्या प्रोग्राम है आज का? वही अपना रोज का, रवि को फोन लगाते हैं। हाँ हाँ लगाओ साले को फोन, पर लगता है इस रवि दल्ले को बदलना पड़ेगा। अरे वही सारी घिसी पिटी चीजें, कोई ढंग का ताजा माल है ही नहीं उसके पास। सही बोलते हो भाई, चलो अभी तो लगाओ उसको फोन, लगाओ। रवि। हेलो सर। हाँ रवि कैसा है तू? बस ठीक हूँ सर, आपने आज मुझे कैसे याद किया? कहाँ है भाई? सर आ रहे आ रहे आ रहे, लो आ गए सब। स्वीटी थैंक यू। क्या है बे? आ रही आ रही सर, लो आ गई सर। पिंकी थैंक यू सर। जूली हाय कुंदन। हाय। क्या हुआ कुंदन, टेंस लग रहे हो? कुछ खास नहीं यार। चाय पियोगे? नो थैंक्स। कुछ तो बात है देवी। हाँ तुम्हारे घर से फोन आया था, उन्होंने तुम्हें भी ट्राई किया, शायद तुम जॉब पे थे इसलिए पिक नहीं कर पाई फोन। घर पे सब सही तो है ना देवी? आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई, इलाज के लिए उसे अच्छे जगह ले जाना पड़ेगा। तुम एक बार घर पे बात कर लो। हेलो। हेलो क्या हुआ भाई, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? अरे यार मैं नहीं आ रहा हूँ, कुछ काम आ गया मुझे, कुछ पर्सनल काम है, आप होकर आओ। अरे एक नई एक्ट्रेस आई है स्ट्रगलर, इशिका। अरे यंग है यंग। हमारी तरफ से दो शॉट एक्स्ट्रा दे देना। ठीक है भाई तेरी मर्जी, तेरे नसीब में नहीं सही तो नहीं सही, मैं तो अपनी रात खराब नहीं करूंगा। अरे एंजॉय करो यार, एंजॉय करो आप। तुम्हारी मर्जी। मैं तो चला भाई। वैसे भी आजकल बुड्ढू का ही सीजन चल रहा है। मैं तो चला। अच्छा ये बताओ तुम लगती तो पढ़ी लिखी हो, फिर ये सब क्यों करती हो? क्या सर, अच्छा खासा मूड था, बिगाड़ दिया आपने। नहीं नहीं आई एम सॉरी, बस ऐसे ही पूछ लिया। हम बहुत छोटे घर से बिलोंग करते हैं और घर की मजबूरी, हमें लगा मुंबई जाकर हम अपना सपना भी पूरा कर लेंगे और घर के हालात भी सुधार लेंगे। फिर? हाल ही में पिताजी की डेथ हो गई और हम घर भी नहीं जा सके उनकी अंतिम क्रिया के लिए। तीन बहनें हैं, माँ घर घर जाकर बर्तन साफ करती थी, बस और बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर क्या, एक बार मन बना लिया तो यहाँ पर बिस्तर पर सुलाने वालों की कमी नहीं है, आ गई इस लाइन में। आज लोखंडवाला में रहती हूँ, बड़े बड़े लोगों से पहचान है, पावर पैसा और मौज, हर रोज एक नया पति और गिफ्ट्स। अब बस घर में सब सही है, बहन कॉलेज में है, माँ भी ठीक है,
सब खुश हैं। और तुम खुश हो? I'm sorry. नहीं सर, अच्छा लगा आपसे दिल की बात शेयर करके। नहीं तो कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ कसाई आते हैं जिन्हें सिर्फ गोश्त की चिंता है, मरने वाला हलाल हो वो नहीं दिखता। पुष्पा, आइटम गर्ल पुष्पा आई थी एक्ट्रेस बनने और क्या बन गई? एक बार डांसर। अपना असली नाम तक भूल गई। कभी सोचा भी नहीं था कि फिल्म स्टार बनने का जुनून मुझे बार डांसर बना देगा। क्या क्या सपने देखे थे और क्या हो गया। चल पुष्पा, धंधे का टाइम हो गया। पुष्पा? अरे रवि, तू फिर आ गया? हाँ। तुझे मना किया था ना कि मैं नहीं जाऊंगी। चली जा पुष्पा, कस्टमर अच्छा है। नहीं रे रवि, मैं किसी के घर नहीं जाती। देख पुष्पा, ये कस्टमर सही है। ठीक है रवि, तो पहले एडवांस ले ले। ठीक है। फिर मड में बुक कर दे एक बंगला। कर देता हूँ पक्का। जा। थैंक यू। आइटम गर्ल पुष्पा। Love you, dear. क्या बोला? I love you. हाँ, बहुत ज़्यादा। कितना? सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी बात ही कुछ अलग है। एक बात बोलूँ? बुरा मत मानना। बोलो। ये बात ना मुझे हर मर्द बोलता है जब मैं उसे बिस्तर में खुश कर देती हूँ। देख चिकने, हमारे जैसी ना सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। हाँ, तो क्या बोल रहा था? मेरी क्या? आंखें, होंठ, बाल। या फिर मेरी टांगें? ऐसी कोई बात नहीं है। देख, बिस्तर में ना सिर्फ जिस्म अच्छा लगता है खेलने के लिए। वैसे कितना पढ़ा है? कॉलेज में हूँ। क्यों? सही है, बाप के पैसों पे अपनी खुजली मिटा ले, जब खुद कमाएगा ना तब पता चलेगा। We'll be right back.
सोनिया तुम्हारी लाइफ में कौन कौन है, फैमिली में मतलब? मम्मी और पापा। ओके। वैसे मुझे पता था कि तुम्हारा उस दिन उस ऑडिशन में कुछ नहीं होने वाला था, पता है क्यों? क्योंकि वहीं का एक बंदा था, उसने मुझसे कहा था कि अगर फिल्मों में काम करना हो तो या तो पैसों की जरूरत पड़ती है या फिर ये उल्टे सीधे तरीके, यू नो, कॉम्प्रोमाइज। हाँ हाँ। वैसे आज कहाँ ऑडिशन देना है? तुम बताओ। वैसे उधर भी ऑडिशन है और उधर वो ठीक लग रहा है मुझे, चलो देखते हैं जाके। आओ। हाय, प्लीज कम। हाय। इधर आइए। या पोज चेंज प्लीज। ओ वाओ। अच्छा, क्या रोल है? अब हीरो के बहन का रोल मिला है मुझे। ओ अच्छा, ग्रेट यार। हु इज द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर? डायरेक्टर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ प्रोड्यूसर जय सर है। अच्छा, वो जिसने कुछ दिन पहले छेड़ो ना मुझे नाम की मूवी बनाई थी और अब वो उसी फिल्म का सीक्वल बना रहे हैं, रोको ना मुझे। क्या हुआ? वो साला सबको ऐसे चूरन देता है। 8 साल पहले उसने बनाई थी ये मूवी, छेड़ो ना मुझे। सोनिया, तुम एक एजुकेटेड पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हें टाइटल से पता नहीं चला कि वो किस ग्रेड की मूवी है? सोनिया देखो, मैंने स्क्रिप्ट तो पढ़ी नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि उसमें एक रेप सीन होगा या फिर एक बेड सीन होगा और स्विमिंग का तो होगा पक्का, बिकिनी वाला पक्का होगा। हाँ, हीरो की बहन का रेप हो जाता है, चार आदमी, हाँ फिर एक हीरो बदला लेता है। घंटा लेगा? सॉरी यार, मुझे ना, देखो अभी थोड़ी देर में तुम्हें उसका फोन आएगा और वो तुम्हें अपने बंगले पे बुलाएगा ऑडिशन के बहाने, देख लेना। ये तो अभी आ गया। उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो जी सर। हाँ सोनिया, कहाँ हो तुम? देखो ऐसा है, शाम को प्राइवेट पार्टी है। जी सर, सुन रही हूँ मैं। और हमारे फाइनेंसर भी आ रहे हैं, तुम्हें उसमें आना है। आना जरूरी है क्या? तुम आओगी तो अच्छा है, तुम्हारा सिलेक्शन भी हो सकता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। आना है तो आ जाना। ओके, चल बाय। बाय सर। क्या हुआ, बुलाया ना उसने? गुंदन, मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा और क्या काम करूँ जिससे मेरा एक्स्ट्रा इनकम हो। यू नो, कॉल सेंटर में मुझे फिक्स सैलरी मिलती है, वो तो मेरे खर्चे में ही निकल जाती है। मैं सोच रही थी मुझे पैसे कमाने हैं और उस दिन वो डायरेक्टर मुझे काम के लिए ऑफर कर रहा था। अरे वो तो लुखा लगा मुझे यार। लुखा मीन्स? यूजलेस, कोई काम का नहीं है वो। मैं ऐसे फिल्मी लोगों को अच्छे से जानता हूँ। ओके, पर मॉडलिंग या फिल्म में अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो आई कैन मैनेज टू अर्न मनी, राइट? तुम खान को जानती हो? हाँ, या उसके अच्छे कॉन्टेक्ट है फिल्म लाइन में। ओके, बात करता हूँ उससे। ओके, कल ही बात करना। ठीक है, ठीक है। और भाई क्या चल रहा है आजकल?
कुछ खास नहीं चल रहा है। अरे यार ये क्या तमाशा है? अरे रिहर्सल कर रहा हूँ जी, ऑडिशन प्रैक्टिसिंग। अरे यार तो रिहर्सल मन में करना। मन में कैसा लाफ्टर लाऊं जी? इट्स फीलिंग। हंसो तो मन में हंसो। मन में कैसे हंसेगा जी? इट्स ब्रिंगिंग आउट फीलिंग्स, लाफ्टर। चल जा अपना काम कर, छोड़ जाने दे। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था यार, कुंदन तू देवी को यहाँ रुकाया है? देवी? श्रीदेवी को जानता तुम लोग? मैं श्रीदेवी का सबसे बड़ा फैन हूँ। आइयो प्लीज 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 मुझे श्रीदेवी से मिलो, प्लीज 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 आइयो। यहाँ श्रीदेवी कोई नहीं है, सब श्रीदेवी है। आइयो पोजाड़े रासकला, जा तू अपना काम कर, समझा? बस मैं श्रीदेवी सोचा पहली देवी ने। हाँ एक तो एरिया ऐसा है, ऊपर से उसके काम का टाइमिंग, तुझे कुछ समझ है कि नहीं? हाँ यार क्या करूं, अपने गांव से वो, ऊपर से कोई है भी नहीं उसका, यहाँ बहुत जरूरत है उसे काम की, उसकी छोटी बहन बहुत बीमार रहती है। ओके राहुल बहुत डिसेंट बंदा है, वो देवी को ना बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च करेगा। राहुल, राहुल रॉय, आशिकी वाला, आशिकी वन, मेरे भी लंबे लंबे बाल थे यार। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। अंबेसडर के टाइम की ना बात मत कर तू। क्या हुआ? अभी आशिकी 3 बन रही है, समझा? अभी तू अपना लुंगी उठा और जाके अपना काम कर चुपचाप। अयो श्रीदेवी को लॉन्च कर रहा राहुल रॉय, श्रीदेवी राहुल मुझे भी लॉन्च कर रहा यार, मैं हैदराबाद से आया एक्टिंग के लिए। एक्टिंग फीलिंग लॉन्च, क्या हुआ? नो लॉन्चिंग ओनली टॉकिंग, वेस्ट वेस्ट। ओ हाय, हाउ आर यू? गुड। बोलिए क्या काम करती हैं आप? I work in a call center. Oh, that's good. Thank you. फिर आप इस फिल्म लाइन के लफड़े में क्यों पड़ रही हैं? There's some reason behind. घर की कुछ problems हैं. Oh, समझा. पर मैं तो ये कहूँगा कि आप इस लफड़े में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है. क्या है ना ये फिल्म लाइन ये सब आपके मतलब की चीज़ नहीं है. हाँ यार, आप सही बोल रहे हो. लेकिन कुछ परेशानी है यार, और इन्हें पैसे भी तो चाहिए. सोचता हूँ। थैंक यू, बट एक बात पूछूं, आप इसी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फिर आप मुझे इसमें आने से मना क्यों कर रहे हैं? आई मीन हर कोई खराब तो नहीं होंगे, कुछ आपके जैसे अच्छे लोग भी होंगे। बहुत मुश्किल है, पर देखता हूँ कुछ अच्छे लोग मिल गए तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ओके बाय, सी यू। गुड, नाइस बॉय। तो फिर मैं चलता हूं। ठीक है, एक काम करो, तुम ये अम्ब्रेला ले जाओ। पर मैं छाते का क्या करूंगी, घर तो आ गया। रख लो, लो। सोनिया। राहुल बोलो। पहले तुम बोलो। पहले तुम। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो तुम शायद बुरा मान जाओगी और शायद हमारी दोस्ती भी टूट जाएगी। एक बार कह के तो देखो, शायद मुझे बुरा ना लगे।
सोनिया मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। I love you. हेलो पापा, कहाँ पे हो? हाँ मेरा बच्चा, बोलो। कब आ रहे हो? अरे भाई काम पे जा रहा हूँ, और क्या। अच्छा वो सब छोड़िए, आपको पता है आज मैंने आपकी फेवरेट डिश कुक की है। अच्छा, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। हाँ तब भी तो आपका वेट कर रही हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। कुछ बात है पापा जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा। ऐसे नहीं, आपसे मिलके बताऊंगी। ऐसी क्या बात है? नहीं पापा, फोन पे नहीं बता सकती ना। आपको तो पता ही है ना पापा कि आपके और मामा के सिवा मेरा और कोई नहीं है जिसे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। लेकिन आपके पास कभी मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। क्या करूं बेटा, जिम्मेदारियां बहुत हैं, इसीलिए बिजी रहता हूं। हाँ पापा मैं समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं पापा, आप जब फ्री हो जाएं या आपके पास जब भी मेरे लिए टाइम हो, मैं आपको उस समय बताऊंगी। ओके ठीक है ठीक है। ओके पापा, घर पे आके बात करता हूँ। ठीक है, बाय बाय बेटा। बाय। दिखाना अपनी मर्दानगी, ले ले मुझको अपनी बाहों में। तेरे में वो बात नहीं रही फरीद, तेरी उम्र हो गई है। ये तुम्हें लग रहा है कि मेरी उम्र हो गई है, असल में अब तू फरीद के लिए पुरानी हो गई है। क्या क्या बोला बुड्ढे? बस पुष्पा बस, मजाक करने की भी एक हद होती है, और हाँ अब तुम पुरानी हो चुकी हो फरीद के लिए। औरत फरीद के लिए एक फिल्म की तरह है, जब नई नई रिलीज होती है ना देखने का बहुत मजा आता है, और फिर फिल्म चाहे जितनी अच्छी हो दो चार बार देख लो ना तो आदमी बोर हो जाता है, बोर। चल निकल यहाँ से। अरे मैं पुरानी फिल्म हूँ ना। अरे बाबा जा रहा हूँ जा रहा हूँ, कपड़े तो पहन लेने देना। निकल यहाँ से निकल बुड्ढे, शर्म नहीं आती अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ ये सब करता है? ऊपर से बोलता है नई नई लड़की चाहिए, भाग साले। जा रहा हूँ, और ये पुरानी फिल्म अब देखेगा भी कौन? भाग, रख ले कपड़े। ये ले, लेके जा। अरे जाओ, ये क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा तो? तुम्हीं ने तो कहा था कि यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। हाँ इसीलिए तो बुलाया ना मुझे। हाँ लेकिन मुझे पापा से बहुत डर लगता है, चलो ना बाहर बैठ के बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ बातें करने आया हूँ? मैं तो तुम्हें बहुत बुद्धू समझती थी। ओ। लेकिन तुम तो बड़े तेज निकले। आज मैं तुम्हारी सारी गलत फहमियाँ दूर कर दूंगा। Thank you.
हटो ना, कोई आ जाएगा। आज आने दो, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखो ना, कोई आ जाएगा, प्लीज। आज मैं नहीं रुकने वाला। प्लीज राहुल, पापा आ जाएंगे। पापा को मैं देख लूंगा, फिलहाल नहीं राहुल, तुम मुझे देखो। पुष्पा, आई लव यू। क्या हुआ? छोड़ो, कुछ याद आ गया। अच्छा हुआ तुम आ गई। आपने बुलाया तो आना ही था। बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ मिले। हुजूर, सलाम भाई। तो आरिफ भाई, आरिफ थकेले। क्या हुजूर, आपने मुझे थकेला बोल दिया, नाराज हैं क्या? अबे साले, तेरे को क्या हो गया? आजकल अच्छा लौंडिया नहीं मिलता क्या तुमको? साला एक टेम था अपना वट था, जब हमारा अच्छा इंप्रेशन होता था, और ये काम करते करते अब दल्ले बन गए। अब कोई हमारे पास आता ही नहीं काम मांगने। ऐसा क्यों? फिल्मों में काम मांगने के लिए तो रोज रोज कोई ना कोई तेरे पास आता ही था। अरे साहब, ये फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है, सब डायरेक्ट ही कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, और अगर कोई हमसे टकरा भी गया तो खुलेआम हमारी तारीफ ही कर देते हैं इंटरनेट पे। पता नहीं पेंचोर ये इंटरनेट कहां से आ गया। अरे व्हाट्सएप फेसबुक तो है, लेकिन ऑडिशन देने के लिए तो किसी ने के साथ जाती होगी ना वो। उसके लिए उनके बॉयफ्रेंड है ना साहब। ये लौंडे तीन तीन चार चार लड़कियों को साथ लेकर घूमते हैं और मजे करते हैं। तो ठीक है ना, जो लौंडे के पास चार पांच लौंडियां हैं उनको मेरे पास भेज दो। मतलब अब हमारी छुट्टी अपने पेट पे लात। अबे आरिफ थकेले, पेट में ही लात मरवा लेना, नहीं तो तेरे को मालूम है ना कहां कहां पढ़ने वाली है तेरे को। बैठो देवी, ये है मेरा छोटा सा गरीब खाना। नॉट बैड, वेरी नाइस। यू आर नॉट लाइक अदर्स, तुम बिल्कुल अलग हो। रियली? आई मीन, तुम इस इंडस्ट्री में कैसे आ गए? बचपन से शौक था एक्टिंग का, फिर कुछ साल पहले मेरे पापा गुजर गए और हमारी माँ हमसे पहले ही दूर हो चुकी थी। बस एक छोटी सिस्टर है, उसकी जिम्मेदारियां मेरे सर पर हैं। वाओ, यू हैव अ सिस्टर, कहाँ है वो? गांव में आती रहती है, इस बार आएगी तो तुमसे जरूर मिल पाऊंगा। तुम तो मेरी मेरी अच्छी दोस्त हो, यू आर अ गुड फ्रेंड, और यहाँ तो मेरा और कोई दोस्त है भी नहीं। क्यों, कोई जीव, मतलब कोई गर्लफ्रेंड? फिलहाल तो कोई नहीं। चलो मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ। नो इट्स ओके, फाइन। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, बारिश भी बढ़ गई है। चले। लो आ गए। थैंक यू राहुल, थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग मी। इट्स ओके देवी, सी यू, बाय। बाय। Good morning. Good morning.
बहुत खुश लग रही है देवी। राहुल छोड़ने आया था क्या? तू भी ना। मैं अक्सर यहां आता हूं, सुकून मिलता है। वाह, कितनी अच्छी जगह है। ये मेरे फ्रेंड की जगह है, अपनी प्राइवेट पार्टीज के लिए। कम देवी, हाय। 5 minutes, I'll come. Makeup. रेडी मैडम? चलो टेक चलो ओके चले। दिस इज फाइन। यार फोटोशूट कितना टायर्ड होते हैं। देवी हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, काफी लेट हो गया है और बहुत बारिश भी हो रही है। तुम चाहो तो यहीं रुक सकती हो। मैं भी यही सोच रही थी। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम होगा। वैसे कपड़े भी तो पड़े हैं। I can stay here. तो रुक जाओ। शूट के कपड़े भी हैं मेरे पास। ठीक है तो फिर ठीक है। देवी तुम यहां सो जाओ आराम से, यहां सोफे पे सो जाऊंगा। नो इट्स ओके, मैं यहां पे सो जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें कंफर्टेबल फील? नो आई एम श्योर, आई एम कंफर्टेबल। पक्का? या इट्स ओके। ओके अच्छी कॉफी बनाई है। थैंक्स। देवी हाँ बोलो।
मैं तुमसे कुछ बोलना चाह रहा हूं। पता नहीं कैसे बोलूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उस रात जब तुम मेरे पास आकर लेट गई थी तो पता नहीं देवी, देखो मैं ठहरा एक पंजाबी मुंडा, इधर उधर की बात मुझे बोलनी नहीं आती। शायद तुम बुरा मान जाओगी या फिर हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। राहुल तुम बोलते जाओ, शायद मैं भी यही सुनना चाहती हूँ। लगता है तुम्हारी कॉफी खत्म हो गई। थैंक यू। हाँ बोलो देवी। आई कांट लिव विदाउट यू। शायद तुमको बुरा लग रहा होगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा हूं। हर जगह तुम ही दिखाई देती हो मुझे। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आई मीन लगने लगी हो। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या बोलना है, पर राहुल इवन आई वांटेड टू से द सेम थिंग। रियली? या ऑफ कोर्स। Oh, I love you. Oh, I love you. महसूस हुआ इस रंग बदलती दुनिया में कुछ पल के लिए महफूज हुआ। आए जो साथ में तुम जन्नत सा महसूस हुआ इस रंग बदलती दुनिया में कुछ पल के लिए महफूज हुआ। धड़कने लगा है दिल सुबह शाम मेरा तेरे नाम से अब मेरी धड़कने बढ़ रही है धड़कने बढ़ रही है धड़कने बढ़ रही है धड़कने वो 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 वो। प्यार है तुमसे मुझे, हाँ तुमसे ही प्यार है। हर वक्त मैं बेकरार हूँ, क्या तू भी बेकरार है। प्यार है तुमसे मुझे, हाँ तुमसे ही प्यार है। हर वक्त मैं बेकरार हूँ, क्या तू भी
बढ़ रही है, धड़कने बढ़ रही है, धड़कने बढ़ रही है, धड़कने बढ़ रही है, धड़कने वो 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 वो। ओके तुम जाओ। ओके चलो बाय बाय। राहुल ने भेजा है? यस। तेरा फिल्म बनेगा, ठीक है ना? हम बनाएगा, ये रख, ठीक है? थैंक यू। देवी, क्या उसे भेज दूं शेट्टी के पास? छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? Such a nice place. ये मेरे फ्रेंड की जगह है, अपनी प्राइवेट पार्टीज के लिए। क्या उसे भेज दूं शेट्टी के पास? उसे पैसों की जरूरत है और मेरा काम भी बन जाएगा। राहुल मेरे भाई, मैंने तो आज तक किसी के लिए इतना इंतजार नहीं किया। देख भाई, हा? भाई ऐसे किसी के ऑफिस में नहीं आते, जो आता है हमारे बंगले पे ही आता है। नहीं नहीं सर, आ रही है वो, रास्ते में ही है। एक सेकेंड। हेलो। अरे कहाँ हो यार देवी तुम? प्रोड्यूसर वेट कर रहे हैं तुम्हारा। I'm on the way, just reaching. Give me 5 minutes. बहुत ट्रैफिक है। I'm on the way, about to reach. Okay? Hello? चलो जो भी हो जल्दी आओ। Yeah, okay. आ रही है सर। अरे भाई हम भी तो देखे, तुम्हारा गर्लफ्रेंड कितना सुंदर है। लेकिन सर अच्छे से हैंडल करना सर। अरे बाबा हैंडल करने में तो मैं माहिर हूँ। एक बात और सर, वो क्या है ना, वो प्रोड्यूसर वाली बात जरा याद रखना, वो उस टाइप की नहीं है। मतलब समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ आपसे? डोंट वरी, मैंने आज तक किसी लड़की को परेशान किया है क्या? अरे आओ देवी आओ। हाय सर, बोला था ना बोल्ड है। सर कैसी लग रही है?
तो ऑडिशन मेरा बंगला में ही होगा। समझ गए भाई, ले आना बंगले पे। आपकी हाइट कितनी है? 5'5" और आपका वाइटल? जी सर, 34, 26, 34। ओह वेरी गुड, नॉट बैड। पर ऐसे हमको कुछ पता नहीं चलेगा, आपको थोड़ा कपड़ा उतारना पड़ेगा। सर आप डायरेक्टर है भी मूवी के? हम डायरेक्टर भी नहीं, प्रोड्यूसर भी नहीं, उनके बाप है, समझी? फाइनेंसर है, पैसा फेंको तमाशा देखो, जो हम बोलेंगे वही होगा। हम बोलेंगे तुमको हीरोइन ले लो तो ये लोग ले लेंगे। मैं आपके सामने कपड़े कैसे उतारूं? तुम्हें शर्म आ रही है? यहाँ एक आदमी के सामने, उधर शूटिंग में तो 80 आदमी खड़े रहेंगे। राहुल ने आपको बताया नहीं है, आपको एक स्विमिंग सूट का सीन करना है। सर वहाँ कर लेंगे, पर यहाँ शर्म आ रही है सर। अरे शर्माओगी तो कैसे शूटिंग करोगी? मतलब? मतलब कुछ नहीं, मैं ही आपका फिगर देखकर ही फाइनल कर सकता हूँ। ओके सर। उतारो। थोड़ा टर्न करो, साइड प्रोफाइल वो साइड। सुपर डुपर। अब थोड़ा नीचे। अरे सॉरी सर, आप किसी और से करवा लीजिए, मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे रिलैक्स 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 रिलैक्स, रुको रुको रुको। सॉरी सर, आप किसी और से करवा लीजिए, मुझसे ये सब काम नहीं होगा। अरे अरे हमने कितनी लड़कियों को स्टार बनाया है। प्लीज सर कूल रिलैक्स। अरे ये सब तुमको नहीं करना है तो क्यों इधर आई? सुनो क्या है, तुम्हें भी मजा लेना है क्या? अरे क्या? देवी, देवी नाम है मेरा, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोस थिंग्स। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे रुको। अब क्या है? हाँ क्या नाम बताया था तुमने अपना? देवी। क्या मैं जान सकता हूँ तुम यहाँ क्यों आई थी? तुम्हें नहीं पता क्यों आई? अगर आई गई थी तो इस तरह जाने का मतलब? तुम्हें मालूम नहीं इस लाइन में सब कुछ करना पड़ता है, अगर हीरोइन बनना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। मुझे हीरोइन नहीं बनना, आई नीड मनी फॉर माई फैमिली। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा होगा, अगर पता होता तो मैं कभी नहीं आती, मुझे ये सब पैसा नहीं चाहिए। ओह, तो तुम कुछ और काम क्यों नहीं करती? दूसरे काम से भी पैसा कमा सकते हो। जैसे? हाँ जैसे होटल में वेटरेस का, उसमें पैसा भी अच्छा मिलेगा और जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं करेगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ क्यों नहीं, ये लो, ये रहा मेरा कार्ड, कल मुझे फोन करना, मैं साथ चलूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। इट्स ओके, और हाँ आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। ओके थैंक यू। व्हाट, ये क्या मजाक है, आर यू सीरियस? हाँ यार पर सही है। पर यार बाद में काम, वो भी वेटरेस का। तुम्हें तो पता है घर की हालत क्या है, और वैसे कौन देखने वाला है कि मैं क्या कर रही हूँ? कम से कम घर पे सिस्टर का इलाज तो हो पाएगा। पर देवी कुंदन,
मैं मजबूर हूँ। और शेट्टी का भाई अमित अच्छा इंसान है, उसने मुझे बताया कि एक वेट्रेस अच्छा कमा लेती है। I'm helpless, Kundan, and I have to do that. Kundan, please, let me do this. I hope you understand. ठीक है। Okay. Bye. Love you. Bye. Bye. हाँ भाई। अरे क्या हो रहा है मेरे राजा? वो आरिफ भाई, वो अपनी फ्रेंड है, अपनी डियर फ्रेंड। तो भेज ना भाई के पास। आरिफ भाई गर्लफ्रेंड है मेरी। वो गर्लफ्रेंड? तो क्या हुआ? फिल्म लाइन में कोई लड़की किसी की गर्लफ्रेंड नहीं होती। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी बॉयफ्रेंड बना लेती है। प्यार करता हूं मैं उससे। प्यार? अरे बेटा कितने साल हुए तुझे इस लाइन में? 2-3 साल तो हो गए ना। ये बता किसी को बिना कॉम्प्रो के काम मिला है यहाँ? नहीं ना। तू तो समझदार है। समझा? आरिफ भाई शायद सही कह रहे हैं। सोनिया एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, आज नहीं तो कल उसे किसी ना किसी के साथ ये सब तो करना ही पड़ेगा। पर प्यार व्यार कुछ नहीं होता राहुल बेटा, ट्राई कर ले। सोनिया हीरोइन भी बन जाएगी और तू हीरो। सुनो ऑडिशन अच्छे से देना, शेट्टी साहब अपने ही आदमी है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। कई लोगों को उन्होंने ब्रेक दिया, ठीक है? हाँ। बेस्ट ऑफ लक। तुम रुक क्यों गए? अरे ऑडिशन पे कोई साथ थोड़ी ना जाता है, वो आपका काम है। जाओ जाओ भी। राहुल प्लीज साथ चलो ना। अरे ऑडिशन पे कोई साथ जाता है क्या? चलो शेट्टी साहब अपने ही आदमी है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। अरे बैठो बैठो, सिट डाउन। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? जी सोनिया। ओ सोनिया, ब्यूटीफुल नेम। थैंक यू। राहुल ने बताया ना क्या करना है तुमको? जी मैं कुछ समझी नहीं। राहुल ने तुमको भेजा है ना? हाँ सर, ऑडिशन का तो बोला था उसने। अच्छा ऑडिशन कैसे होगा वो नहीं बताया? नहीं सर। हम बता देते हैं तुमको। उठो उठो, मेरे पास बैठो। जी राहुल ने बताया नहीं? अरे तुम पहली और आखिरी लड़की थोड़ी हो, बहुत आ चुकी है यहाँ, काफी ऑडिशन हो चुका है। अरे वो तो ऐसे ही हीरो बना फिरता है, असल में तो तुम जैसियों को मेरे पास भेजने वाला सप्लायर है। चलो अब नखरे मत करो, कपड़े उतारो और यहाँ जाओ। हो गया ऑडिशन? सोनिया सोनिया सोनिया, सोनिया।
तुम्हारा असली चेहरा। सोनिया कुछ मत बोलो। कैसे राहुल, कैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और मर्द के पास भेज सकते हो? तुम ही को एक्ट्रेस बनना था ना, तो इसमें मैं क्या करूं? तो तुम जानते बूझते अपने प्यार को किसी का बिस्तर गर्म करने भेज दोगे? तुम इंसान हो या जानवर? ज्यादा मत बोलो सोनिया, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता फिल्म इंडस्ट्री में। यहाँ सब लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं और अपना रास्ता नाप लेते हैं। ओह, तो तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। सोनिया आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें एक्ट्रेस बनना है या नहीं? ऐसी कोई भी एक्ट्रेस बताओ जो किसी के साथ नहीं सोई हो। ऊपर आने के लिए किसी ना किसी के नीचे जाना पड़ता है। सोनिया मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें तब भी वैसे ही प्यार करूंगा। तुम एक अच्छी एक्ट्रेस बन जाना और मैं तुम्हारा मैनेजर। मैनेजर नहीं, दल्ला। क्या? हाँ, दलाल। छी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सब बातें तुम कर रहे हो। गेट आउट राहुल, गेट आउट। ये क्या बोल रही हो तुम? गेट आउट आई सेड। मरो। देवी तुमने बुलाया मुझे? यही है डांस बार, लेकिन तुम यहां आराम से काम कर सकती हो, तुम्हें कोई टच भी नहीं करेगा। थैंक यू, गुड लक। क्या हुआ देवी, बड़ी खोई खोई लग रही हो? मैं अपना शिफ्ट चेंज कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? I have some personal issue. कल से मैं दूसरी शिफ्ट से आऊंगी। Oh, I miss you. Yeah, me too. But chill, हम मिलते रहेंगे। Oh, okay. Yeah. Yeah. हेलो। हेलो। हाँ अरे भाई बोलो। सुना है आप राहुल से अलग हो गई हैं? जी। कुछ गलत करने की कोशिश की आपके साथ? ओ शेट्टी जी से। इसमें चौंकने वाली क्या बात है? हमने ही तो बोला था कि आपको शेट्टी जी के पास ले जाए। अरे मैडम, फिल्म में हीरोइन बनना है तो ये सब काम करना पड़ता है। ये देखिए। देखिए बेके कुछ नहीं, बहुत दुनिया देखी है हमने। फिल्म लाइन में
जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था ना, तब से हम खाक छान रहे हैं। अरे आपके जैसे कितनी आई और कितनी गई सोनिया जी। देखिए मुझे फालतू की चीजें नहीं करनी है, इस चीज के लिए मैं यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई हूँ। जी हाँ जानता हूँ कि आप इस चीज के लिए नहीं आई, और आप बड़े घर की बेटी हैं। लेकिन बोलते हैं ना गेहूं के साथ धुन भी पिस जाता है, तो बस यही सोचिए अगर आपको फिल्म लाइन में काम करना है तो इस नाचीज को याद कर लीजिए। लेकिन कंडीशन वही रहेगी। ये क्या हो रहा है राहुल, तू तो हीरो बनने आया था और आज आज लोग तुझे दल्ला बना दिए। पर शायद गलती मेरी थी, मैंने अपने प्यार को ही दांव पे लगा दिया। पर अब वापस जाने का भी तो कोई फायदा नहीं, आखिर मैं अकेला तो नहीं हूं इस खेल में। अब पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है, ज्यादा मत सोच राहुल, मंजिल अब दूर नहीं है। हाँ एक बार अगर मैं हीरो बन गया तो फिर कौन उंगली उठाएगा मुझ पे। हाय रवि। अरे चांदनी तुम इतना लेट क्यों हो गई? क्यों 15 मिनट ही तो लेट हुई हूँ ना रवि। नहीं तुम्हारी जगह कोई और डेट पर आ गया। क्या? आई एम सॉरी। कौन आ गया है? वो मुझे नहीं पता चांदनी, आई एम वेरी सॉरी। तुमने मुझे बुलाया था ना रवि? मैं कुछ नहीं जानती रवि, मुझे पैसे चाहिए और मैं पैसे लेकर ही जाऊंगी। समझ में आया तुम्हें? आई एम सॉरी चांदनी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे पैसे चाहिए बस। शोर मचा रखा है भाई। सर ये चांदनी सर। चांदनी? हाँ सर। देखिए अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, हमारा इंतजाम हो गया, ठीक है? इंतजाम हो गया क्या मतलब? मैं पैसे लेकर ही जाऊंगी। देखो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ समझे, मेरी डील रवि से हुई है बस। हाँ तो ठीक है रवि, तुम पैसे दिलाओ। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? ए रवि अब आगे से तुमसे कोई सर्विस मुझे नहीं चाहिए, मैंने दूसरे आदमी का इंतजाम कर लिया है। ऐसी लड़कियाँ रखते हो तुम? अरे अंदर जा करके देखो कितने टॉप की मॉडल आई हुई है। टॉप की मॉडल? मैं भी देखती हूँ कौन सी टॉप की मॉडल आई है। ए, तुम अंदर नहीं जाओगी? मैं जाऊंगी और देख के ही रहूंगी। रुको, अरे कहाँ जा रही है? शिट। ए, मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। रुको चांदनी, ये क्या कर रही हो? चांदनी यहाँ? शहर का नया दल्ला, मान गए राहुल। चांदनी 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 सुनो तो, चांदनी चांदनी प्लीज मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? चांदनी प्लीज। राहुल ये सब क्या हो रहा है? तुम पूरी तरह से बदल गए हो, पहले वाले राहुल नहीं रहे जिसे मैं कुछ साल पहले मिली थी। शर्म आ रही है मुझे तुम पर। हाँ शर्म आ रही है। चांदनी चांदनी ये क्या हो गया मुझसे, इतनी बड़ी गलती। ओ गॉड बहुत गिर गया आज मैं अपनी ही नजरों में। चांदनी चांदनी भी मुझे दलाल बोल दी। ठीक साला ये नाम कमाया मैंने, बस अब और नहीं होगा मुझसे। हाँ अब और नहीं होगा। अरे आज हमारी कैसे याद आ गई मैडम? आरिफ भाई आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। वो आपने ऑफर दिया था ना,
क्या अभी भी वो? बिल्कुल खुला है, सब कुछ खुला है। जी मैंने बहुत सोचा। क्या सोचा है मैडम? काम करना है या नहीं करना? मैं ये सब तभी करूंगी जब फिल्म बड़ी हो। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा आपका। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि मुझे कितने दिन के लिए आना होगा? 4 दिन। हाँ लेकिन ये तो काफी ज्यादा टाइम है, मैं घर पे क्या बोलूंगी? अब सब कुछ हम ही बताएं मैडम आपको, आप भी तो अपना दिमाग लड़ाइए। ओके अल्लाह हाफिज। तो कितने दिनों का ट्रिप है तुम्हारा? सिर्फ 3 दिन का है पापा। कितने लोग जा रहे हैं तुम्हारे साथ? और फिर ये अचानक तुम्हारा ये ट्रिप का प्रोग्राम कैसे बन गया है? अरे पापा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके ट्रिप अचानक से बन गया और हम 3-4 स्टूडेंट साथ जा रहे हैं पापा, आप टेंशन मत लीजिए। चिंता ना करें, अरे इतनी प्यारी बेटी है हमारी। अच्छा ठीक है, देखो खैरियत से जाना है? अगर कहो तो मैं ड्राइवर को भेज दूं तुम्हें एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए। नहीं पापा मैं चली जाऊंगी। ओके आप भी ना बस। वैसे पापा आप अकेले हो जाओगे ना, अपना ख्याल रखना। ओके मेडिसिन टाइम पे लेते रहना। चलिए चलिए अब खाइए। बस भाई बस। हेलो बेटा। पापा कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम ठीक से हो? हाँ पापा मैं अच्छे से पहुँच गई, और आप टेंशन मत लिया कीजिए। और हाँ अगर मेरा फोन बंद आया ना तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में रहूंगी तो अपना फोन बंद रखूंगी। ओके देखो तुम रोज फोन कर लिया करो, ठीक है ना? ओके बाय पापा, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, बाय। ड्राइवर मालवानी ले लीजिए। जी मैडम। उठा भाई फोन उठा। हाँ अरे भाई मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ मैंने पापा से कह दिया है कि मैं बॉम्बे से बाहर जा रही हूँ। जी ओके बाय। अरे कहाँ हो यार, इतना टाइम लगा रहे हो फोन उठाने में। अरे सर प्रोडक्शन हाउस में था इसलिए फोन नहीं उठा पाया। अरे सुन अभी मेरी बेटी का फोन आया था, 2-3 दिन तक वो भी घर पे नहीं है, और मेरी महारानी जी को तो तुम जानते ही हो हमेशा तीरथ में लगी रहती हैं। हेलो। हेलो अरे भाई मैं गाड़ी में हूँ, आप नीचे आ जाइए। आप बैठिए मैं आता हूँ। अरे मैदान बिल्कुल साफ है। हाँ और सुन फटाफट एक बढ़िया से इंतजाम करो, एक एंजॉय करना है मस्त। बिल्कुल मिलेगी सर बिल्कुल, आज ही एक लड़की आई है फ्रेश एकदम। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए पिछली बार की तरह? हाँ आप एक बार आइए तो सर, इस बार शिकायत का मौका नहीं दूंगा जरा भी। थके थके चेहरे नहीं चाहिए, बिल्कुल खिलते हुए हो तो लेकर के आना, समझा? तेरे जिम्मे है सब काम। ओके 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 सर। अच्छा हुआ मैडम आप आ गई, गुड डिसीजन। अरे यार फोन उठाने में इतना टाइम लगाते हो? अरे अभी अभी तो आया हूँ जिम से। बड़ा आजकल जिम विम कर रहे हो, बड़ी तैयारियां कर रहे हो, बड़ा जवान होने की कोशिश कर रहे हो। पर बाबू होना कुछ नहीं है समझे, अबे अभी तक तेरी शादी नहीं हो पाई है तो आगे कौन सी हो जाएगी। लगता है ऐसा है कि घर में कोई नहीं है, मैदान पूरा साफ है तभी ये बातें हो रही हैं आजकल। चल बे शिकार पे चलते हैं,
नहीं तो साले तेरी बंदूक में जंग लग जाएगा। अरे तुम अपनी बंदूक को देखो। फटाफट आ जा, ठीक है? हाँ पक्का आता हूँ ना। ओके ओके बाय बाय। अब भाई का जिंदगी का असली मजा। अरे भाई क्यों भाई हीरो, आजकल क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। अरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई लड़की नहीं, ये क्या हो गया है तुमको? सही कहा सर, अब मेरा कोई नहीं। उस दिन तक लड़की लेकर आया था शूट पे, मस्त माल थी। देखा अमित, हीरो हमसे झूठ बोल रहा है। हाँ भाई सही कह रहे हैं, तू आजकल एक नई लड़की के साथ घूम रहा है। हाँ यहाँ पर ऐसे ही होता है। कुछ नहीं। कितना मजा आता है ना शूट पे। क्या हुआ भैया? मैं भी आपको एक दिन बड़े पर्दे पर देखना चाहती हूँ। अरे सर वो तो मेरी सिस्टर थी, गांव से आई थी। अरे तो क्या हुआ, मिला तो दे एक बार। क्या बोला? अरे एक बार लेकर तो आओ उसे हमारे पास। चुप कर छट्टे। अरे रे 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 हिम्मत। अरे छोड़ो उसे, छोड़ भाई, ये हमारा बच्चा है, छोड़ो, गलती हो गया, मेरी गलती है। किसी की माँ बहन के बारे में बोलने से सभी का खून खौलता है। अरे सॉरी यार सॉरी। आइयो इधर देखो, इधर देखो, बोल दिया ना। और हाँ तुम भी जो लड़की मेरे पास लेकर आते हो वो भी तो किसी की बेटी किसी की बहन ही होती है ना। I'm sorry, बोला ना I'm sorry। चलो बहुत मगजमारी हो गया, अभी मस्ती करेंगे, चलो दारू पीते हैं, बारिश भी हो रहा है, चलो। नहीं सर मेरा मूड नहीं आज, चलता हूं। अरे अगर तुम नहीं आया तो सोचेंगे अभी भी तुम हमसे नाराज है, चलो। नहीं चलते हैं भाई, मूड फ्रेश हो जाएगा। और भाई ने बोला ना, जानबूझकर नहीं बोला, बस निकल गया मुंह से। और एक बात और, इतनी रिक्वेस्ट तो हम किसके बाप से नहीं करते। हाँ चल चल आओ भाई। चल भाई। अरे बैठ जा भाई, छोड़ो। क्या लोगे भाई? बियर। तू क्या लेगा भाई? अरे बोल भी दे मेरी जान। मूड ऑफ है मेरे बच्चे का। छोड़ो 3 बियर। चेयर अप। क्या हो रहा है? चेयर अप चेयर अप। ओके सर ओके, आप आए तो सही। अरे सोनिया तुम टेंशन क्यों ले रही हो? सर है ना बहुत भले इंसान है, वो हमारी फिल्म जरूर फाइनेंस कर देंगे। देखो टेंशन मत लो, एक बार तुम उनको पसंद आ गई ना तुम्हारी लाइफ बना देंगे। तुम्हें स्टार बनना है ना? बनना है कि नहीं? बस सब हो जाएगा। लो सर आ गए, सोनिया सर आ गए।
क्या भाई रवि? अरे सर को हालो तो बोलो। पापा? ओह सॉरी। रोको इनको। अरे छोड़ो मुझे मर जाने दो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे ये मेरी बेटी है, ऐसे बाप को मर जाना चाहिए। अरे तुम लोग हीरो क्यों बनना है यार? छोड़ो मुझे। अरे अपना हीरो तो रियल हीरो नहीं, रियल हीरो बन गया यार। मैनेजर नहीं, दल्ला। क्या? तो ये है शहर का नया दल्ला। अरे एक बार लेकर तो आओ उसे हमारे पास। अरे सर वो तो मेरी सिस्टर थी। मिला तो दे एक बार। चुप कर शट्टे। राहुल देखिए लोबो साहब, मुझे आपसे कुछ काम है। और वो काम आप कर सकते हैं? क्या है कि आप एक नामी गिरामी प्रोड्यूसर हैं और मैं आपके बैनर से एक फिल्म बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन? हमारे बैनर में ये सब कोई उल्टी सीधी काम नहीं होती है। देखिए आप मेरी बात को गलत मत समझिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस फिल्म की हीरोइन मेरी बेटी सोनिया रहे, बस। मैं तो कुछ और ही सोचा था। अच्छा तो मैं इस बात को पक्का समझूं? हाँ जी, आप ये सोचिए, आपका काम हो गया। थैंक यू। वेलकम।
हेलो फरीद भाई, कैसे हो? हाँ भाई असलम। हाँ फरीद भाई, एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है भाई? आज फिरंगी माल आया है। आओ जरा ऐश करते हैं। फिरंगी लड़कियां? हाँ भाई, जाओ भाई जाओ, तुमको समझाना बेकार है। ठीक है, आपकी मर्जी, आओ चाना आओ, मैं तो चला भाई। और हाँ, एक बात कान खोल करके सुन लो, आगे से इस टाइप का फोन मुझे मत करना, समझे? Hmm.